स्वागत है। नमस्कार, मैं खड़ी हूँ इस वक्त फुग्गलगढ़ में, जो कि जसवंत सिंह बाटी जी हैं, यहाँ का जो कार्यभार संभाल रहे हैं। जसवंत बाटी जी नमस्कार। नमस्कार जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैडम, ये जो बहुत ही पुराना गढ़ है फुग्गल का, सबसे ज़्यादा मशहूर है, यहाँ लोग देखने को आते। थोड़े दिन पहले थे जो भी ये था, ये पढ़ने की कंगार पे था, पूरा नष्ट होने की कंगार पे था। बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने, कार्यभार जो यहाँ का संभाला है अच्छा किया है। तो इस पे कितना बजट आ गया मैडम? ये हमारे लिए संतुष्टि के, ना कोई बजट आया ना कोई उत्पाद, ये हमारे घर से हम लगा रहे हैं। हमारे पास सरकार को या कोई मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सरकार इस पर क्या मदद करेगी? सरकार हमारी इस का थोड़ी देंगे अपना। निजी संपत्ति है, जैसे कि बताया जाता है कि रामदेव जी की बहन थी सुगना, उनके ससुराल का ये गढ़ है, और ये बता रही है कि हमारी निजी संपत्ति है। क्या मामला है पूरा तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं मेरे घर से जो है वो खर्चा लगा करके इस गढ़ की मरम्मत करवा रहा हूँ। तो फिर भी जैसे हम जानते हैं कि हर मतलब जो भी गढ़ वगैरह किले हैं, सरकार ने बजट पेश किए, यहाँ का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, पर पिछले जब भैरव सिंह जी सरकार के टाइम, भैरव सिंह जी ने एक आदेश निकाला था कि जो भी राजस्थान के अंदर पुराने जो गढ़ और किले हैं वो ध्वस्त हो रहे हैं, उन धरोहर के लिए कुछ न कुछ किया जाए। तो उस टाइम भैरव सिंह जी टाइम में काफ़ी गढ़ों में काम हुए थे, परंतु हमारा जो फुग्गल का गढ़ है ये क्या प्रतिबंधित क्षेत्र में है, यह बॉर्डर एरिया की तरफ है, इसलिए यहाँ परमिशन लेके ही आना पड़ता है। इस वजह से वो उनकी गाइडलाइन में नहीं था और बजट नहीं मिला। अब जब बजट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बजट देखो, अब सरकार है, सरकार अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है, दे भी सकती है। नहीं दिया तो हमने क्या, ये गिर रहा था तो सोचा कि भाई अपनी धरोहर को बचा के रखें, इसलिए हमने पिछले 4-5 साल से काम चल रहा है निजी। बाटी सिंह जी बहुत ही अच्छी सोच है, उनका है कि अपनी धरोहर है उनको बचा के रखना चाहिए। जैसे कि हम देख सकते हैं 10 या 15 लाख तो मामूली सी बात है, करोड़ों पे जो है इनका बजट जाएगा उनकी मरम्मत कराने। आप देख रहे हैं ये पुरानी जो बिल्डिंग है, अच्छी मरम्मत हो रही, बहुत ही अच्छी मरम्मत हो रही। 2-3 साल पहले थी ये पूरी की पूरी नष्ट होने की कंगार पे थी। आप देख रहे हो फुग्गलगढ़ के, फुग्गलगढ़ जो ये फुग्गल बाजार के बीचों बीच है, पूरा का पूरा जो है गाँव है, लेकिन आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। बहुत ही अच्छी सोच है इनकी जो उन्होंने ये ध्यान दिया। आप ये क्यों, हाँ। आप क्या कहना चाहते हो, सरकार को बजट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, सबकी जो है एक जितना हक है इन पे। दूर दूर से पब्लिक भी आती है, आप देख सकते हैं ये पुकुर जो पुरानी गढ़ है वो बहुत बहुत दूर दूर से आते हैं।